नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं श्री रामबख्श जी की रचना लोक संत दादू दयाल। तो आइए पहले हम रामबख्श जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। रामबख्श का जन्म नागौर जिले के चितानी गांव में 15 सितंबर 1951 ईस्वी को हुआ। आरंभिक शिक्षा गांव एवं आसपास के विद्यालयों में हुई। मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जोधपुर में पूरी हुई। पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से करने के बाद ये रोहतक, जोधपुर, इग्नू विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य करते रहे, नहीं पढ़ाते रहे। संप्रति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भाषा संस्थान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत है, नहीं वर्तमान में जब ये लिखा गया। इनकी कुछ चर्चित पुस्तकें प्रेमचंद और भारतीय किसान, दादू दयाल, समकालीन हिंदी आलोचक और आलोचना। आइए बात करते हैं प्रस्तुत पाठ के विषय में। मध्यकालीन भारतीय सनातनता का मध्यकाल जो है वो भारतीय सनातनता का एक उज्ज्वल अध्याय है। संत कवियों ने सार्वभौम मानवता के लिए, सार्वभौम मानवता यानी कि सब जगह की मानवता के लिए एक सहज सामान्य पथ की वकालत की। किसने? संत कवियों ने। दादू की वाणी सदियों से राजस्थान के जनमानस की सामूहिक स्मृति का हिस्सा रही है। कबीर के समान इनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं मिलती। देशाटन का आशय समझते हैं आप, यात्रा मुखड़ी प्रवृत्ति। देशाटन से प्राप्त अनुभवों को दादू ने प्रेम के सरस धरातल पर मर्म स्पर्शिनी भावों के साथ परोस दिया है। लेखक ने इस आलेख में दादू दयाल की प्रासंगिकता एवं उनके उपदेशों का जीवनी परक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। यानी कि प्रस्तुत रचना जो है वो जीवनी विधा से संबंधित है। लोकसंत दादू दयाल में दादू दयाल का जीवन परिचय देते हुए उनके आध्यात्मिक विचारों, उनकी लोकप्रियता पर प्रकाश डाला है। दादू आज से कई शताब्दी पहले धराधाम पर अवतरित हुए थे। उनके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। वैसे उनकी जन्मभूमि गुजरात और प्रमुख साधना भूमि राजस्थान माना गया है। दादू की जन्मभूमि गुजरात और कर्मभूमि राजस्थान को माना है। दादू निर्गुण उपासक संतों की परंपरा में आते हैं। उनका जाति पाति में विश्वास नहीं था, उनके गुरु के विषय में निश्चित पता ही नहीं चलता। उन्होंने अनेक प्रदेशों में भ्रमण किया और अंत में राजस्थान में बस गए। आपने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की जो बाद में दादू पंथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके साधना स्थलों को दादू द्वारा और समाधि स्थल को दादू खोल कहा जाता है, आदि आदि हमें जानकारी मिलेगी इस जीवनी परक रचना लोक संत दादू दयाल रामबख्श बेनीपुरी की रचना में। तो आइए शुरू करते हैं अब हम पाठ लोक संत दादू दयाल। शिरोमणि संत, शिरोमणि यानी कि सभी संतों में महत्वपूर्ण संत दादू दयाल का जन्म फागुन सुदी यानी कि शुक्ल अष्टमी बृहस्पतिवार संवत 1601 सन 1544 ईस्वी को हुआ माना जाता है। दादू के जन्म स्थान के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। दादूपंथी भक्तों की मान्यता है कि वह एक छोटे से बालक के रूप में अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए। इनका लालन पालन लोदीराम नामक नागर ब्राह्मण ने किया। नागर का आशय है नगरीय ब्राह्मण, नगर में रहने वाला। इनकी माता का नाम बसीबाई था। जन्मभूमि के संबंध में विद्वानों में भले ही मतभेद रहे हो, लेकिन इनकी साधना भूमि निश्चित रूप से राजस्थान है। मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा के अधिकांश कवियों ने हिंदू समाज के जात पात की व्यवस्था से अपनी असहमति जताई थी। दादू भी इसके अपवाद नहीं थे। कई बार स्वयं इनके जिज्ञासु भक्त भी ये पूछ लेते थे कि महाराज आपकी जाति क्या है। ऐसे जिज्ञासु भक्तों को संबोधित करते हुए दादू ने कहा, दादू कुल हमारे केशवा सगात सृजनहार, जाति हमारी जगत गुर परमेश्वर विचार परिवार। दादू एक सदा संसार में जिन हम सिदजे सोई, मनसा वाचा क्रमना और न दूजा कोई। क्या कहते हैं? मन कर्म और वचन से और कोई नहीं, बल्कि उनका परम पिता परमेश्वर प्रभु ही उनका अपना, उनका परिवार, कुटुंब, उनकी जाति और उनका सब कुछ संसार में जो कुछ भी है वो कौन है?
परमपिता परमेश्वर, यानी उस उनकी कोई जाति, उनकी विशेष कोई जाति नहीं, विशेष कुल नहीं, विशेष परिवार नहीं। यहाँ दादू ने अपनी विचार प्रणाली को व्यक्त करते हुए कहा है, देखो क्या कहते हैं, बिल्कुल इसका सरलार्थ दिया है कि मेरे सच्चे संबंध तो ईश्वर से है और इसी संबंध से मेरा परिचय है। परिवार में बद्ध व्यक्ति, परिवार में बद्ध यानी कि परिवार में बंधा हुआ व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए क्या करता है, छल कपट करता है। उसके मन में अपने पराये की भावना आ जाती है। दादू इसे संसार की माया और संसार से मोह की संज्ञा देते हैं। दादू अपने आप को इनसे मुक्त कर चुके हैं और वो संसार में रहते हुए सांसारिक बंधनों को काट चुके हैं, यानी कि सांसारिक बंधनों का मोह उनमें नहीं है, वे बिल्कुल मुक्त जीवन जीते हैं। तो ईश्वर की अतिरिक्त उनका किसी से परिचय नहीं, ईश्वर की अतिरिक्त उनका अपना कोई सगा नहीं, ईश्वर की अतिरिक्त उनकी अपनी कोई विशेष पहचान नहीं। संतों ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा का विस्तार से बखान किया है, अतः यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है कि इनके गुरु कौन थे, दादू के गुरु कौन थे। लेकिन इस तथ्य की प्रामाणिक जानकारी अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है कि इनके गुरु कौन थे। जब जनगोपाल की श्री दादू जन लीला पर्ची के अनुसार 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक वृद्ध के रूप में दर्शन देकर इनसे एक पैसा मांगा। देखो जो दादू जन्म लीला पर्ची है उसमें ऐसा जिक्र आता है कि 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक वृद्ध के रूप में दर्शन देकर इनसे एक पैसा मांगा, फिर इनसे प्रसन्न होकर इनके सिर पर हाथ रखा और इनके सारे शरीर पर स्पर्श करते हुए इनके मुख में सरस पान भी दिया। दादू पंथियों के अनुसार, देखो अंडरलाइन करें आप, इनके गुरु है बुद्धन। दादू पंथियों के अनुसार बुद्धन नामक एक अज्ञात संत इनके गुरु थे। जनगोपाल के अनुसार बचपन के 11 वर्ष तक बीत जाने के बाद इनको बुढ़े के रूप में गुरु के दर्शन हुए। दादू ने अपनी वाणी में गुरु की महिमा का गान तो बहुत किया है लेकिन उनका कहीं नाम नहीं लिया है, यानी कि गुरु की महिमा का गान किया है किंतु उनका नाम जिक्र नहीं किया। ऐसी मान्यता है कि वे 18 वर्ष की अवस्था तक अहमदाबाद में रहे, 6 वर्ष तक मध्य प्रदेश में घूमते रहे और बाद में सांभर यानी राजस्थान में आकर बस गए। सांभर आने से पहले उन्होंने क्या किया था और कहां कहां भ्रमण कर चुके थे, इसकी प्रामाणिक सूचना हमें नहीं मिलती। जनगोपाल की पर्ची के अनुसार दादू 30 वर्ष की अवस्था में सांभर में आकर रहने लगे थे। सांभर निवास के दिनों के बाद उनकी गतिविधियों की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, वे कि वो इस तरह से वहाँ पर काम करते थे, साधना करते थे। सांभर के बाद वह कुछ दिनों तक आमेर जयपुर के निकट रहे। यहाँ पर अभी भी एक दादू द्वारा बना हुआ है दादू का साधना स्थल। कुछ लोगों का कहना है दादू ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी और 40 दिनों तक आध्यात्मिक विषयों की चर्चा भी करते रहे थे। अन्य संतों की तरह दादू दयाल ने भी काफ़ी देश भ्रमण किया था, विशेषकर उत्तर भारत जैसे काशी, बिहार, बंगाल, राजस्थान के भीतरी भागों में लंबी यात्राएं इन्होंने की थी और अंत में अंडरलाइन करें आप नराणा, राजस्थान की नराणा में रहने लगे जहां उन्होंने अपनी इह लीला समाप्त की, यानी कि उनका अंतिम समय भी वहीं व्यतीत हुआ। दादू की इच्छा अनुसार उनके शरीर को भैराना, अंडरलाइन करें भैराना की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में रखा गया था क्योंकि उनकी इच्छा थी ऐसी। इन्हें समाधि भी दी गई। इसी पहाड़ी को अब अंडरलाइन करें, दादू खोल कहा जाता है, यानी कि दादू की समाधि स्थल को क्या कहते हैं, दादू खोल, जहां उनकी स्मृति में अब भी मेला लगा करता है। सांभर से ही दादू दयाल की भक्ति साधना आरंभ होती है, यहीं से उन्होंने उपदेश देने शुरू किए थे और यहीं पर उन्होंने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी जो दादू की मृत्यु के बाद दादू पंथ कहा जाने लगा। दादू ने अपनी रचनाओं में अपने परिवार और पारिवारिक स्थिति का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, देखो परिवार क्या है उनका, दादू रोजी राम है राजिक रिजिक हमार, दादू उस प्रसाद सो पोष्या सब परिवार, इनकी उनकी रोजी भी भगवान है, उनका सब कुछ जो है वो भगवान है और उस भगवान से जो उन्हें प्रसाद, भगवान की भक्ति के स्वरूप जो उन्हें प्रसाद प्राप्त कर होता है उसी से उनके परिवार का पालन पोषण होता है। देखो ऐसा लगता है कि किसी जिज्ञासु व्यक्ति ने दादू से सीधा सवाल पूछा हो कि आपका खाना पीना कैसे चलता है, आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं।
अर्थात आपकी आय के साधन क्या है। यहाँ तो चारों ओर अभाव ही अभाव दिखाई दे रहा है, फिर आपके परिवार का पालन पोषण कैसे होता है, किसी जिज्ञासु ने पूछा होगा उनसे। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दादू ने कहा कि राम ही मेरा रोजगार है, वही मेरी संपत्ति है, उसी राम के प्रसाद से परिवार का पोषण हो रहा है। इन पंक्तियों से यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि यहाँ ऐश्वर्य का बोलबाला नहीं, धन संपत्ति का बोलबाला नहीं, गरीबी का साम्राज्य है। ये बात यह रेखांकित करने लायक है, ध्यान देने लायक है कि दादू को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं है, यानी कि वे कभी शर्मिंदा नहीं होते अपनी गरीबी से। इसे सहज जीवन स्थिति मानकर उन्होंने स्वीकार कर लिया, यानी कि जीवन की सहजता को मान करके कि भाई सहज जीवन है, ऐसा मान के उन्होंने इस स्थिति को स्वीकार किया। गरीबी की पीड़ा का बोध और उससे उत्पन्न आक्रोश दादू की रचनाओं में कहीं भी नहीं मिलता है। दादू के जीवन काल में ही उनके अनेक शिष्य बन चुके थे, उन्हें एक सूत्र में बांधने के विचार से एक पृथक संप्रदाय की स्थापना होनी चाहिए, यह विचार स्वयं दादू के मन में आ गया था और इसीलिए उन्होंने सांभर में परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना कर दी। अंडरलाइन करें आप, परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की दादू ने कहाँ, सांभर में। दादू की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने इस संप्रदाय को दादू पंथ कहना शुरू कर दिया। आरंभ में इनके कुल 152 शिष्य, अंडरलाइन करें कितने, 152 शिष्य माने जाते रहे। इनके शिष्यों के थांबे प्रचलित है, ठीक है, इनके शिष्यों के थांबे प्रचलित है। इनके थांबे अब भी अधिकतर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में हैं। इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर दादू द्वारों की स्थापना की गई। उनके शिष्यों में देखो, दादू के शिष्य है गरीबदास, बदना, रज्जब, सुंदरदास आदि प्रसिद्ध हुए, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। किंतु उससे पहले हम कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ लिखने हैं आपको। दादू का जन्म स्थान अहमदाबाद, दादू के प्रसिद्ध शिष्य कौन है, गरीबदास, ठीक है, गरीबदास, बदना, रज्जब, सुंदरदास ये है तो उपयुक्त सभी। दादू का जन्म कहाँ होता है, गुजरात में। माता पिता का नाम एक नागर ब्राह्मण, जो उनका क्या नाम था अभी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया दादू का, लोदीराम और माता बसीबाई। दादू ने अपनी जाति क्या बताई, समाज में प्रचलित जात पांत में उनका विश्वास नहीं था, तो लोगों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी जाति जगत गुरु ईश्वर है। दादू की गुरु परंपरा के बारे में क्या मान्यता है, दादू पंथियों के अनुसार दादू के गुरु बुड्ढन नामक एक अज्ञात संत थे, और हाँ, दादू के प्रमुख शिष्य गरीबदास, रज्जब, सुंदरदास आदि थे। दादू ने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, इसे अब दादू पंथ कहा जाता है। दादू खोल से क्या आशय है, तो देखें, दादू दयाल के देहांत के बाद उनके शव को उनकी इच्छा के अनुसार भेराणा की एक पहाड़ी पर स्थित गुफा में रखा गया और वहीं पर दादू को समाधि भी दी गई। इस पहाड़ी को क्या कहा जाता है, दादू खोल। दादू ने निंदा स्तुति के बारे में क्या बताया, ये बात करते हैं हम अगले वीडियो में। ये प्रश्न आपको नहीं करना है, मतलब कल अगले वीडियो में करना है। अब तक तो आपको दादू ने अपनी जाति क्या बताई, प्रश्न 7, 8 और 9 करने हैं। फिर देखें प्रश्न, ठीक है, प्रश्न बिल्कुल, दादू के जन्म और पालन पोषण के बारे में क्या मान्यताएं हैं। तो दादू का जन्म फागुन सुदी अष्टमी गुरुवार को माना जाता है। इनका जन्म स्थान विवादित रहा है, किंतु मान्यता है कि दादू एक छोटे से बालक के रूप में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे। इनका पालन पोषण लोदीराम नामक ब्राह्मण ने किया था, माता का नाम बसीबाई बताया जाता है। तो देखो, और प्रश्न देखें आप, दादू के जाति, कुल, परिवार और सगे संबंधी के विषय में क्या विचार थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक संत दादू दयाल पाठ के आधार पर लिखिए। तो देखें, दादू ने कहा कि केशव मेरा कुल है, जाति जगत गुरु,
परमेश्वर मेरा परिवार, संसार में मेरा राम एकमात्र ईश्वर है। मन, वचन और कर्म से उस ईश्वर की अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। दादू उन पहुँचे हुए संतों में से थे जो इन सांसारिक नातों से बहुत ऊपर उठे हुए थे। ठीक है, इसके आगे के प्रश्नों की बात भी हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।